नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मोदी सरकार ने हिंदुस्तान में छिपे पाकिस्तान के दलालों और ये आईएसआई के एजेंट्स जो हिंदुस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे तो सोशल एक्टिविज्म के नाम पे इंटेलेक्चुअल बनकर के तमाशा करते हैं, ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल जो पूरा गैंग है, इसके खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। और जो आज की एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आपका दिमाग तो हिलेगा ही, साथ ही साथ ये जो बॉलीवुड में ये जो पाकिस्तानियों के साथ ये लोग जो लंदन और वाशिंगटन में और न्यू जर्सी में ये जो पार्टियां मना रहे थे, ये जो बिजनेस डीलिंग कर रहे थे आईएसआई एजेंट्स के साथ, ये बड़े बड़े लोग, ये करण जौहर, ये अनिल कपूर, शाहरुख खान, तमाम तरह के लोग, इनके अब पसीने छूटने लगेंगे, क्योंकि जिनकी बदौलत, जिनके दम पे ये हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, अब मोदी सरकार ने, अमित शाह की एनआईए ने अब इनके ऊपर ही कार्रवाई शुरू कर दी है। आज हिंदुस्तान टाइम्स में एक ऐसी खबर आई है जिसके बारे में, जिसके डिटेल्स के बारे में आपको जानना समझना बेहद ही जरूरी है। दरअसल गौतम नौलखा नाम के इस शख्स के की तस्वीर देखिए। ये शख्स कौन है? ये गौतम नौलखा, ये भीमा कोरेगांव के केस में पुलिस के हिरासत में, इनके ऊपर नक्सलियों के साथ ये लेफ्ट लिबरल कबाल और ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है इसके साथ साठ गांठ करने और हिंदुस्तान के अंदर उपद्रव, हिंसा भड़काने का आरोप इनके ऊपर है। इनके ऊपर तो आरोप और भी बहुत सारे हैं कि ये माओस्ट के साथ मिलके ये जंगल में जाते हैं मिलने के लिए, उनको ट्रेनिंग देते हैं, आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग, और ये जो तमाम ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये जेएनयू वाले और दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले, ये पत्रकार, ये लुटियन गैंग, इनको एक मसीहा मानता है। लेकिन आज जो खबर आई है वो चौंकाने वाली है। 17 से 22 तारीख के बीच ये भीमा कोरेगांव के केस में पुलिस के हिरासत में है और एनआईए ने इनसे 17 से लेकर के 22 जुलाई के बीच इनसे पूछताछ की है। और क्या पूछताछ की है? तो इनसे ये पूछताछ किया गया है कि आपका रिश्ता, ये जो अमेरिका में गुलाम नबी फाई का जो नेटवर्क था, जो आईएसआई का जो नेटवर्क था, जो कश्मीर के नाम पे हिंदुस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया में मुहिम चलाता है, उसके साथ आपका क्या रिश्ता है? आप कितनी बार अमेरिका गए और इनसे मुलाकात की? और इससे भी बड़ा जो लगातार कैपिटल टीवी, ये जब से ये शाहरुख खान और ये अनिल कपूर और ये जो तमाम ये जो केस आया है बॉलीवुड और आईएसआई के नेक्सस का, तो हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि ये आईएसआई की चाल है कि किस तरीके से पहले इसने हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल, हिंदुस्तान के सोशल एक्टिविस्ट, हिंदुस्तान के बड़े बड़े पत्रकारों को फाई नेटवर्क में शामिल करके हिंदुस्तान के खिलाफ ही मुहिम चलाया गया था। उसका ये चैप्टर 2 है जिसमें बॉलीवुड भी आईएसआई के चंगुल में फंसा हुआ नजर आ रहा है। तो इनसे ये पूछा गया है कि क्या आपके रिश्ते गुलाम नबी फाई के साथ थे? और ये तो कोई सवाल नहीं है, क्योंकि एनआईए के पास इसकी पूरी जानकारी है कि ये कब कब अमेरिका गए और कब कब वहाँ इन्होंने ये जो आईएसआई का जो नेटवर्क अमेरिका में चल रहा था, फाई जो चला रहा था, उसमें इन्होंने उसमें हिस्सेदारी की है। लेकिन इनसे एक अहम सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या ये सच है कि 2010 में आपकी मुलाकात इस आईएसआई एजेंट फाई ने अमेरिका के अंदर एक आईएसआई के मेजर जनरल के साथ करवाई थी? मतलब आप समझिए, ये नक्सली, ये जो जेएनयू वाले जो गौतम नौलखा के नाम पे माला जपते हैं, इसकी मुलाकात किससे हो रही है? तो गुलाम नबी फाई से हो रही है, जो आईएसआई का प्रोवन एक एजेंट रहा है। और गुलाम नबी फाई के बारे में मैं आपको बताऊं कि क्या है कि गुलाम नबी फाई अमेरिका के अंदर आईएसआई के इशारे पे, उसके पैसे पे अमेरिका में एक कश्मीरी अमेरिकन काउंसिल नाम का संस्था वो चलाया करता था। और जब इस वो वहां पकड़ा गया, एफबीआई ने इसे पकड़ लिया कि ये आईएसआई के से पैसे लेकर के इल्लीगल काम अमेरिका के अंदर में कर रहा है, तब वहां के कोर्ट में जो यूएस अटॉर्नी नील एच मैकब्राइड ने जो वहां एक एफिडेविट दिया 2011 में, उसमें साफ साफ
ये कहा गया था कि गौतम नलक्खा वॉज इंट्रोड्यूस टू एन ISI जनरल फॉर रिक्रूटमेंट बाय फाई एट ISI डायरेक्शन। मतलब ये कि ये जो खुलासा हो रहा है, ये जो सवाल जवाब किया जा रहा है गौतम नलक्खा से, ये कोई आधारहीन कही सुनी बात नहीं है। US के अटॉर्नी ने अमेरिका में कोर्ट में एक हलफनामा में ये बात उसने कहा था कि गौतम नलक्खा नाम का एक शख्स हिंदुस्तान से आया था, जिसकी मुलाकात ISI के एक जनरल से यहाँ पे फाई ने करवाई थी। और मैं आपको बताऊँ कि ये जो फाई है, फाई के ऊपर आरोप क्या है, ये देखिए उसमें जो आज जो खबर छपी उसमें क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड FBI डॉक्यूमेंट्स, फाई, ये गुलाम नबी फाई वॉज अरेस्टेड इन जुलाई 2011, रिसीव्ड अराउंड 3.5 मिलियन US डॉलर सिंस 1990 फ्रॉम पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड द ISI। मतलब ये 3.5 मिलियन डॉलर्स वो पाकिस्तान के ISI और सरकार से वो लेकर के वो अमेरिका में आ रहा था। क्या कर रहा था मैकब्राइड इन एन एफिडेविट डेटेड December 7, 2011 इन द कोर्ट ऑफ वर्जीनिया सेड, फॉर द लास्ट 20 ईयर्स मिस्टर फाई सीक्रेटली टुक मिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर पाकिस्तान इंटेलिजेंस एंड लाइड अबाउट टू द US गवर्नमेंट एज अ पेड ऑपरेटिव ऑफ ISI। ही डिड द बिडिंग ऑफ हिज हैंडलर्स इन पाकिस्तान वाइल ही मेट with US elected officials, funded high profile conferences and promoted the Kashmir cause to decision makers in Washington। मतलब ये जो पैसे दिए जा रहे थे गुलाम नबी फाई को, वो इसलिए दिए जा रहे थे कि वो अमेरिका में रहकर वहाँ पे जो सांसद हैं वहाँ के उनको वो पैसे दे करके इन्फ्लुएंस करे, ताकि जो अमेरिका की जो पॉलिसी जो कश्मीर के ऊपर है वो बदला जाए और हिंदुस्तान के ऊपर कार्रवाई की जाए, कोई प्रतिबंध लगाया जाए। ये इस तरह की प्लानिंग और सेटिंग हो रही थी। किसके जरिए, किस संगठन के जरिए? तो संगठन का नाम है कश्मीरी अमेरिकन काउंसिल। और इसमें कौन लोग जा रहे हैं? तो इसमें ये गौतम नलक्खा जा रहा है। और ये गौतम नलक्खा किससे मिल रहा है? तो ISI के ऑपरेटिव से। मैं आपको एक और बात बता दूं, जब ये केस चल रहा था तो ये गौतम नलक्खा ने दरअसल एक पत्र FBI के को लिखा था कि ये जो गुलाम नबी फाई है ये तो एक मसीहा है, ये तो एक बेचारा है, ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, इसका कोई कसूर नहीं है। और ये चिट्ठी भी, ये किसी के कहने पे, ये तो ये खुलासा हो रहा है कि ये चिट्ठी भी हमारी एजेंसी NIA के पास मौजूद है। अब इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि ये जो पूरा जो मसला जो चल रहा था, इन लोगों ने 2010 में 25 जुलाई 2010 को एक वाशिंगटन डिक्लेरेशन वहां पे वो जारी किया था कश्मीर के ऊपर और हिंदुस्तान के खिलाफ। ये जो फाई का जो नेटवर्क था, ये लगातार पूरी दुनिया में आर्टिकल लिख करके, मीडिया में कैंपेन करके, ये सारी चीजें वो ये कर रहा था कि हिंदुस्तान कश्मीर के ऊपर अत्याचार कर रहा है, वहाँ ह्यूमन राइट्स की अवहेलना हो रही है, वहाँ इतना ज़्यादा आर्मी रख दिया गया है कि वो पूरा जेल बन गया है। ये ठीक वही दलीलें जो आर्टिकल 370 के बाद ये लोग जो छाती पीट रहे थे लेफ्ट लिबरल कबाल, अब ये समझ में आ रहा है आपको कि ये सारे लोग जो आर्टिकल 370 के खिलाफ इस देश के अंदर में मुहिम चला रहे थे, ये किस तरीके से ये ISI के पेरोल पे हैं, ISI से डायरेक्ट लिंक है इनका। मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जो 2010 में जो वाशिंगटन डिक्लेरेशन ये फाई के नेटवर्क ने जो जारी किया था, इसमें किन किन लोगों ने हिस्सा लिया था? एक तो गौतम नलक्खा हुआ, एक बहुत बड़े पत्रकार है कुलदीप नायर। इतनी बड़ी गलती, पूरा देश उनको एक बड़े पत्रकार के रूप में जानता है, लेकिन आप ISI के गोद में बैठ करके हिंदुस्तान के खिलाफ ही आप इस मुहिम में शामिल हो जाएंगे, ये शर्म की बात है। और भी एक जस्टिस सच्चर, ये जो सच्चर कमेटी आप सुनते हैं कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में रिजर्वेशन दे देना चाहिए, ये जस्टिस सच्चर भी इसके एक अहम हिस्सा हैं। ये हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं और इनकी करतूत ये इस तरह के, इन लोगों को तो इमीडिएटली गिरफ्तार करना चाहिए। ये सब खुलासे 2011 में हुए थे, यूपी की सरकार थी, पता नहीं मनमोहन सिंह ने किस हाथ में कितनी बड़ी चूड़ियां इन्होंने पहन रखी थी कि इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगला नाम मैं बताता हूं, एक जर्नलिस्ट हैं वेद भसीन, ये भी बड़ा नाम है कश्मीर में, बहुत बड़ा नाम है ये, लेकिन ये ISI के गोदी में बैठे हुए हैं। एक और देखिए, क्या इस देश को क्या हो गया है, दिलीप पटगांवकर,
ये आदमी फाइव नेटवर्क का एक अहम हिस्सा है। आईएसआई के पैसे के ऊपर वो हिंदुस्तान से अमेरिका जाता है, होटल में खाता है, ऐश मौज कर रहा है, और उसको यूपीए सरकार ने कश्मीर के मुद्दे पे इंटरलोकेटर बना दिया था कि मध्यस्थता करने के लिए, बातचीत का रास्ता निकालने के लिए। ये देखिए किस तरीके से आईएसआई हमारे सिस्टम को खोखला कर रही थी, और ये तमाशा इस देश में चल रहा था यूपीए सरकार के दौरान। एक और नाम है अंगना चटर्जी। ये अंगना चटर्जी भी ये हिंदुस्तानी है, फाइव नेटवर्क की है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ये जो अमेरिका के अंदर में वहां के कांग्रेस कमेटी जो रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर, वहां से हिंदुस्तान के खिलाफ एक रिपोर्ट आई थी, इसने उस अमेरिकन कांग्रेस कमेटी के सामने जाकर के हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला था। और जहर उगलेगी क्यों नहीं, क्योंकि ये सब के सब, ये चट्टे बट्टे, मैं आपको बता दूं कि ये सारे लिस्ट हैं कि जिन लोगों ने इस फाइव नेटवर्क में, वो कश्मीर के नाम पे वहां पे जाकर के कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते थे, इसमें बहुत सारे जेएनयू के प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो तमाम जर्नलिस्ट, वो पूरा जो नेटवर्क जिसे हम लोग कहते हैं ये जो लुटियन गैंग है, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये इसमें शामिल था। और मैं आपको एक और चौंकाने वाली बात बताता हूं कि ये जो फाई है, फाई के ऊपर एक और, ये जो ये देखिए उसमें एक रिपोर्ट है, उसमें ये लिखा हुआ है कि एविडेविट इसी केस के अंदर में एक एविडेविट एफबीआई की तरफ से भी डाला गया, एफबीआई एजेंट सारा वेब लिनन इसने डाला। उसमें क्या लिखा है कि आई बिलीव दैट फाई हैज रिसीव्ड अप्रोक्सीमेटली 5 लाख to 7 लाख डॉलर पर ईयर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। मैंने हर साल 7 लाख से 5 लाख US डॉलर ये फाई के पास आता था। एंड दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज फंडेड फाई ऑपरेशंस थ्रू अहमद। ये एक अहमद के जरिए वहां फाई को ये पैसे मिलते थे हर साल 5 से 7 लाख US डॉलर के आसपास, जिसके लिए वो हिंदुस्तान में, अमेरिका में, वो कश्मीर को लेकर के वो प्रोपेगेंडा किया करता था। लेकिन ये जो नाम है, ये जो खबर आई, तो मैं इस नाम को देख करके चौंक गया, ये अहमद कौन है? तो ये जहीर अहमद नाम का एक शख्स है, जिसको बहुत पॉपुलरली जो है, जो खुफिया डिपार्टमेंट के बीच इसको कहा जाता है, ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर। और ये डॉक्टर कौन है, ये डॉक्टर के बारे में जब हमने खंगाला तो मालूम चला कि जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, जिसके ऊपर ये आरोप है कि जो 9/11 की घटना हुई थी, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड टावर को जो है वो गिराया गया था, उससे एक महीना पहले ये सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद ये ओसामा बिन लादेन से मिला था, और ये ओसामा बिन लादेन और अल जवाहरी के साथ इसने मीटिंग की थी। और हिंदुस्तान टाइम्स में ही एक रिपोर्ट पुरानी मैंने पढ़ी थी, और जिसमें ये दावा किया गया था कि ये जो मुलाकात हुई थी इस न्यूक्लियर साइंटिस्ट की, किसके साथ, ओसामा बिन लादेन और अल जवाहरी के साथ, तो यही अहमद, ये जहीर अहमद ने उनकी मुलाकात करवाई थी, और वो भी इस मीटिंग में मौजूद था। अमेरिका से भाग करके वो पाकिस्तान आ गया। ये सारे लोग, अब ये समझिए कनेक्शन कहां से कहां है। एक ऐसा आईएसआई ऑपरेटिव जो सीधे ओसामा बिन लादेन और अल जवाहरी के संपर्क में था, वो पैसा लेकर के फाई को बकायदा वो फिनांस किया करता था, आईएसआई का पैसा दे लेकर जाता था, और वो फाई हिंदुस्तान के ये तथाकथित इंटेलेक्चुअल, ये पद्मश्री जिन्हें कांग्रेस पार्टी दिया करती थी, ये इस तरह के लोग जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बैठे हुए हैं, वो वैसे लोग जो लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं, वो उनकी सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंस में, उनके पैसे पे जा करके वहाँ पे हिंदुस्तान के खिलाफ इस साजिश में शामिल होते थे। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा पाप इन लोगों ने किया है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। जब कहा जाता है कि ये देशद्रोही हैं, ये गद्दार हैं, तो गौतम नौलक्खा के जो करतूते हैं, ये जो फाइव नेटवर्क के साथ इनके संबंध हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। 100% बाकायदा सबूत के साथ ये कहा जा सकता है कि ये सब के सब गद्दार हैं, और इनको सजा दिलवाना ये सरकार का दायित्व तो है। और अब ये इसलिए ये मसला सीरियस होता चला जा रहा है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से फाइव नेटवर्क ने इंटेलेक्चुअल्स को अपने कब्जे में ले लिया,
उसी तरीके से आईएसआई ने बॉलीवुड को अपने कैप्चर में ले लिया है। और जब भी ये आंदोलन करते हैं, आर्टिकल 370 के ऊपर हो, सीए के ऊपर हो, ये लेफ्ट लिबरल कबाल बवाल मचाता है, तो बॉलीवुड में एक धरा है, एक ग्रुप है, एक सेक्शन है जो इनके सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। अब आप समझिए ये लिंक कितना जुड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है मोदी सरकार अब इन लोगों के को सबक सिखाने के लिए इन्होंने मुहिम शुरू कर दी है। एनआईए एक्टिव हो गई है और हिंदुस्तान की जनता चाहती है कि हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान के पैसे पे, चाइना के पैसे पे जो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश में शामिल हैं, उनको सजा मिले, पूरी इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे वो बॉलीवुड से हो, चाहे वो जेएनयू का हो, चाहे वो लेफ्ट लिबरल कबाल का हो, जो कोई भी हो, उसके खिलाफ एक्शन होना ज़रूरी है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।